हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड ओप्पो A9 में आप सिस्टम अपडेट कैसे कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, और ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को आपको ओपन करने के बाद जो है ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और सबसे टॉप में जो है आपको सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास ओप्पो का कोई दूसरा एंड्रॉइड डिवाइस है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च सेटिंग्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिख देना सिस्टम अपडेट। मैंने ओनली यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिखने से जो आ चुका है यहाँ पे सिस्टम अपडेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं आपके, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करना होगा। और आपको नेट ओपन करके करना है सिस्टम अपडेट, और फिर उसके बाद जो है आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपका जो भी यहाँ पे अपडेट आया होगा आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, और अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपके फ़ोन के साथ जो है प्रॉब्लम भी होने लगता है। और आपको करना क्या है, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपके पास सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं है तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद जो है आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको यहाँ पर सिस्टम अपडेट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है आपको ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जैसे कि पहले आपने देखा था। और आप भी जैसे यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आपने देख लिया सिस्टम अपडेट कैसे होता है। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, या UPI से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। तब तक के लिए नमस्कार।